नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। अभी हम लोग हैं संतोष मित्रा स्क्वायर कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडाल में। अभी आपको ले चलते हैं अंदर और दिखाते हैं यहाँ का पंडाल कैसा है। तो अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं संतोष मित्रा स्क्वायर में और देखते हैं अंदर में क्या है। यहाँ पे सुना था कि कुछ भव्य सा पंडाल बना हुआ है, तो चलिए आपको ले चलते हैं आगे और दिखाते हैं कि किस पैटर्न पे पंडाल बना हुआ है। अभी थोड़ी भीड़ कम है, यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होती है शाम के टाइम में। और अभी आगे चलिए और दिखाते हैं आपको। मेरा नाम है अमित, चैनल का नाम है सफ़रनामा। वीडियो पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चलिए आपको दिखाते हैं। उससे पहले आपको एक और प्रतिमा का दर्शन कराते हैं। यहाँ पे वो प्रतिमा है संतोष मित्रा स्क्वायर के रूट में ही, तो चलिए सबसे पहले आपको वो प्रतिमा का दर्शन कराते हैं। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं संतोष मित्रा स्क्वायर की तरफ और चलिए, रात में यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। अभी रास्ते में एक और प्रतिमा दिख गई है, तो चलिए उसके भी दर्शन आपको करा देते हैं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं वीडियो को तो पेज को फॉलो कर लें और यूट्यूब पर। मित्रा स्क्वायर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग आगे। वीडियो पे बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए और आगे और भी अच्छी अच्छी प्रतिमाएं आपको दिखाएंगे हम लोग। चलिए दोस्तों, रास्ते में एक और प्रतिमा दिखी है, तो चलिए आपको उसके भी दर्शन करा देते हैं। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए, उससे हमें और मोटिवेट मिलेगा वीडियो बनाने के लिए। मित्रा स्क्वायर में और चलिए एंट्री करते हैं यहाँ। वाह, ये देखिए क्या बना हुआ। अभी ये जो है पूरा एलईडी से बना हुआ है, वॉल एलईडी से, और अभी रात के टाइम में इसमें लाइटिंग होती है और बहुत ही ज़बरदस्त देखने को लगता है। एक बार हम लोग रात में भी आएंगे इसको देखने के लिए। बहुत ही हैवी बना हुआ है ये, इसकी लाइटिंग बहुत ज़बरदस्त होगी रात में। फिलहाल चलिए आपको अंदर ले चलते हैं, मंदिर के दर्शन कराते हैं प्रतिमा की। छोटे छोटे एलईडी लगे हुए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा एलईडी है। चलिए ये हम आपको रात में एक बार दिखाएंगे, अभी फिलहाल अंदर चलिए, अंदर दर्शन करा देते हैं। पिछली बार यहाँ राम मंदिर बना था और इस बार ये पता नहीं। गोल पिरामिड में बना हुआ है जिसकी लाइटिंग रात में होती है, हम इसकी लाइटिंग भी आपको एक बार दिखाएंगे। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं और रात में आते हैं तो आपको लाइटिंग यहाँ की दिखाएंगे। वैसे तो यहाँ फोटोग्राफी अलाउड नहीं है लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि रात में आपको इसकी एक झलक दिखाने की। तब तक के लिए जाते हैं, कहीं रेस्ट वेस्ट करते हैं और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही शेयर भी कीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और ताकि आप अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए हम बना के लाएं। 6.5 hours later भाई हम लोग फिर से पहुंच चुके हैं संतोष मित्रा स्क्वायर। जैसा कि हमने बताया था कि आपको रात का व्यू दिखाएंगे, तो आप देखिए रात का व्यू कितना भीड़ हो चुका है और आगे है संतोष मित्रा स्क्वायर। तो चलिए आपको वहाँ का लाइटिंग शो दिखाते हैं कि कैसा है। और कहां पकड़ो।